एक बार की बात है, टिट्टू तोता अपने दोस्त किट्टू कौवा से कहता है, अरे किट्टू तुम आजकल कहाँ रहते हो, हमारे साथ खाने भी नहीं आते। वो क्या है ना किट्टू, पास ही में मेला लगा है, मैं वहीं पे जाता हूँ और उधर से खा लेता हूँ। यानी तुम इंसानों का खाना खाते हो? हाँ, लेकिन ये तो चोरी हुई ना। अरे टिट्टू, वैसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। टिट्टू थोड़ा हिचकिचाते हुए हामी भर देता है। ठीक है, मैं चलूंगा। दोनों दोस्त मेले में जाते हैं। वहाँ पे रखे अच्छे अच्छे पकवान देखकर टिट्टू बहुत खुश हो जाता है। दोनों एक दुकान के सामने बैठते हैं और वहाँ पे रखी मिठाइयाँ खाने लगते हैं। पर कुछ ही देर में लोगों का ध्यान उनके ऊपर जाता है। वो लोग उन दोनों पर पत्थर फेंकने लगते हैं। टिट्टू तो तुरंत भाग जाता है पर टिट्टू पीछे रह जाता है और एक पत्थर आके उसे लगता है जिससे उसे चोट लग जाती है और वो भी तुरंत वहाँ से निकल जाता है। टिट्टू का अपने काम पर पछतावा होता है और वो ठान लेता है कि आज के बाद कोई बुरा काम नहीं करेगा और किसी के बोलने पर भी कोई बुरा काम नहीं करेगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए, ना ही किसी के बहकावे में आना चाहिए।